सो गाइस आज हम आए हैं चेरी ऑन टॉप, जहाँ पे अपने पास बहुत ही बढ़िया भाई आइसक्रीम्स, दही के छोले, पिज़्ज़ा, पास्ता, काफ़ी चीज़ें ऑप्शन अवेलेबल हैं। आइए एक बार मिलते हैं जितेंद्र सिंह जी से। भाई सत श्रीकाल, की हाल चाल महाराज? ठीक हो? बहुत वधिया भाई। और सुनाओ, कितना चल रहा था? चलो भाई अपना, मैं काफ़ी टाइम तो उत्थों आप जरा निकलते सके ना, देखते हुए चेरी ऑन टॉप काफ़ी टाइम था। कितना टाइम हो गया अपना अपन बिजनेस करते हुए ऐसे करते? भाई 4 साल हो जाएंगे जनवरी में। 4 साल? हाँ जी। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸਪੋਂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਅ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ, ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਸੈਲਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚੈਰੀ ਔਨ ਟੌਪ ਤੋਂ? ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮਸ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਪੀਜ਼ਾ ਕਾਫੀ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ। ਪੀਜ਼ਾ ਕਾਫੀ ਚੱਲਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪੀਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੈਜੀ ਵੰਡਰ ਪੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਵੈਜੀ ਵੰਡਰ? ਹਾਂਜੀ, ਵੈਜੀ ਵੰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 6 ਇੰਚ, 1 ਇੰਚ। ਇੱਕ 6 ਇੰਚ, 1 9 ਇੰਚ? ਹਾਂਜੀ। अच्छा जी। तो जो अपना 6 इंच का होंगे, मतलब मान लो जिदा कला बंदा है, मैं तो 6 इंच का साढ़े लिए कल एक बंद इनफ होंगे। वैसे तो खाने वाले 9 इंच भी खा लेते हैं। अच्छा। 6 इंच जरा 4 पीस ही होंगे। 4 पीस इनफ हो जाए जी, मतलब टेके बेच ज़्यादातर रहा है बंदा घर ले आता, उस 9 इंच ही उन्हें प्रेफर करता है। चलो बाकी आस पास और आइसक्रीम से कहड़ा थोड़ा बेस्ट चीज़ है, जो बेस्ट बेस्ट सैलिंग कही है आइसक्रीम से? सब तो ज्यादा ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਲਾਈਟ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਜੋ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਸ ਪਾਸ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਲਾਈਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਲਾਈਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੇਸਟ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਸਕੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟੇਸਟ ਕਰੋ, ਫਲੇਵਰ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 25 ਫਲੇਵਰ ਹੈ, 25 ਫਲੇਵਰ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਟੇਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੈਸਟ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੇਸਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੇ ਬੈਸਟ ਫਲੇਵਰ ਹੈ? पंजाबी डिलाइट पहले चेक करो, सबसे पहले पंजाबी डिलाइट मेरे को पता लगा बहुत बढ़िया है। भाई देखो पंजाबी डिलाइट प्रॉपर पंजाबी वाला है, बिच आई फील काफ़ी इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसमें डाले हुए हैं। ये कौन सा है? चेरी ऑन टॉप स्पेशल है भाई। ये चेरी ऑन टॉप स्पेशल है, आप इसमें देख रहे हो कलरफुल है काफ़ी, और ये शुगर फ्री है। जैसे अगर किसी को मान लो शुगर की शिकायत रहती है भाई, अब शुगर तो आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को है, बड़ा आइसक्रीम फिर भी खानी है, तो आप आ सकते हो चेरी ऑन टॉप। शुगर फ्री आइसक्रीम मिलेगी 0 कैलोरी के साथ। टेस्ट इसका भी पूरा ज़बरदस्त है भाई, कोई ऐसी कमी फील नहीं हो रही इसके अंदर भी कि आपको शुगर नहीं है तो टेस्ट बेकार आ रहा है। हम यहाँ पे फ्रूट संडे बनवा रहे हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी टेम्प्टिंग लगा खाने में, देखने में पहले, मतलब देख के पिक्चर देख के ऐसा हो गया ना कि भाई यही चाहिए। जी भैया, इसमें आप क्या क्या ऐड करोगे बताते जाना है एक बार मुझे। ये वनीला आइसक्रीम डलेगी। ठीक है जी। फ्रूट आएगा, फिर पाइनएप्पल क्रश और स्ट्रॉबेरी क्रश। ओके, देखिए जी आती है। ये क्या है? स्ट्रॉबेरी आएगी। अच्छा, ये फाइनल पर क्रश हो गया। ओके, और ये कौन सा फ्लेवर है? ये स्ट्रॉबेरी। ओके, इसके ऊपर ये फ्रूट सा है। अबे यार भाई, तुम तो यार मतलब मज़ा आने वाला है ये खा के। हाँ जी भैया, भैया देख रहे हैं ये बन के ऑलमोस्ट रेडी है। रेडी है भैया? हाँ जी। ये चेरी ऑन टॉप पे चेरी आ गई है, आप देख सकते हो। नाउ इट इज रेडी भाई, संडे अपना रेडी हो चुका है और अब रहा नहीं जा रहा, आप इसको पहले चेक करते हैं भाई। इसमें जो है ना सबसे जो मज़ेदार चीज़ है, जो टॉप की चेरी है, चेरी में सबसे पहले खाऊंगा, चेरी इज़ माई फेवरेट। एक तो आइसक्रीम के ऊपर जो क्रश हमने जो डाला मैंने, जो उसका जो फ्लेवर आ रहा है पाइनएप्पल का और स्ट्रॉबेरी का, अपना ज़बरदस्त है वो। मोर ओवर जो फ्रूट्स इन्होंने डाले हुए हैं रियल फ्रूट हैं, जैसे कट करके रखे होते हैं, फ्रेश फ्रूट है एकदम, ऐसा नहीं कि रखे हुए काफ़ी टाइम से और देन उठा के वही डाल दिया ना, तो एकदम फ्रेश फ्रूट होने की वजह से वो अपना अलग ही फ्लेवर दे रहे हैं प्रॉपर। बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। सो भाई लोगों, ये था हमारा आज का व्लॉग चेरी ऑन टॉप के ऊपर।
जो कि आपको बहुत ही बढ़िया यम टेस्टी ज़बरदस्त आइसक्रीम पिज़्ज़ा और अपना फ्रेंच फ्राइज पोटैटो पास्ता सब चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलती है। तो इवनिंग के लिए सबसे ज़बरदस्त है। और ये जो जगह है आपकी सुभाष नगर में सिचुएटेड है, टेगोर गार्डन में सिचुएटेड है भाई, थोड़ा एक बार आइडिया दोगे लोकेशन का किस पास बनती है? जी होली चंद स्कूल मेन जरा गेट है, गेट नंबर 2 दे बिल्कुल ऑपोजिट है, फ्रंट से। ओके, तो यहाँ पे होली चंद स्कूल है उसके एकदम गेट नंबर 2 के एकदम सामने आए, ठीक है? तो आप लोग जरूर विजिट करिएगा, मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं आओगे तो आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हो जिंदगी में, स्टेस मिस कर रहे हो। ओके, बाय बाय, सी यू।